तक शटडाउन करो ना बीएसएनएल एमटीएनएल का, बोल दीजिए हमारा जो है। ये पूरे देश भर के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं आज, बीएसएनएल एमटीएनएल है क्या जिंदा? आप देश की चर्चा ना करते, मेरे मराठी भाई बहन जो रोड पे बैठे हैं एसटी कामगार, उन पे हमने बात जरूर करनी चाहिए। अरे मुझे सभापति महोदय समझ में नहीं आया, कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते थे, लेकिन इस देश में जो सरकारी कंपनियां थी, गवर्नमेंट जो यूनिट थे, वो सारे के सारे बेचो, ये कोरोना ने कहां कहा सभापति महोदय? एयर इंडिया बेचने के लिए कहां कहा? ठीक है, लेकिन एयर इंडिया एयर टाटा के पास देकर एक अच्छा काम किया, हम उन्हें धन्यवाद देते, लेकिन क्या आवश्यकता थी कि बीपीसीएल का निजीकरण करने के लिए? क्या आवश्यकता थी एमटीएनएल बीएसएनएल को कंगाल बनाने की? सभापति महोदय, आपके मतदान क्षेत्र में हो या मेरे मतदान क्षेत्र में हो, आज बीएसएनएल एमटीएनएल है क्या जिंदा? सारे गवर्नमेंट की योजना है, कोविड वो वेंटिलेटर पे है, सही बात है। सभापति महोदय, एक तरफ सारे गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, योजना है, आप बीएसएनएल और एमटीएनएल के माध्यम से आप गरीब लोगों तक पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ बीएसएनएल का नेटवर्क शटडाउन, बीएसएनएल के टावर वर्किंग में नहीं, बीएसएनएल के 92% एम्प्लॉइज वीआरएस दे चुके, कंगाल बना दिया। अगर आपको सही तरीके से जियो को चलाना है ना, तो शटडाउन करो ना बीएसएनएल एमटीएनएल का। राव साहब आधा घंटा बोल दे, जाहिर बोल दीजिए हमारा जियो है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, वार्ड इंचार्ज थे, साफ सफाई कर्मी थे, हमारे आशा वर्कर्स थी, और जितनी भी सिस्टर्स और ब्रदर्स काम कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि इन लोगों को कोविड में इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इस्तेमाल किया गया हमारे महाराष्ट्र में, और एसओनेस जैसे ही कोविड समाप्त होते दिखा, इनको यूज एंड थ्रो करके उस डिपार्टमेंट से बाहर फेंका गया। तो मैं आपके माध्यम से विनंती करूंगी, अध्यक्ष महोदय, लास्ट वन मिनट, तो उनको उठा के फेंका गया, तो उसके लिए आपसे मैं विनंती करूंगी कि उन्हें परमानेंट करके उन्हें आगे स्ट्रांग की, क्योंकि अपनी जान पर खेल के इन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे देश को सेवा दी है, अपनी जान पर खेल के, और इन लोगों को यूज एंड थ्रो करके हम नहीं फेंक सकते, उस पर हमने बोलना चाहिए। हमारे भाई ने बहुत अच्छा, फ्लोर लीडर ने अभी कहा कि कुछ टिप्पणी सेंट्रल पे की है कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन पे बात की गई है, मुझे इनसे पूछना है एज ए महाराष्ट्र की एक नागरिक और महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ, हमारे पिछले 21 महीने से हमारे एसटी कामगार पिछले एक महीने से वो मुंबई में एक मैदान में बैठे हैं, आज़ाद मैदान में, और हमारे जिले में अलग अलग डेपों पे बैठे हैं, ये पूरे देश भर के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपने ये बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो एसटी कामगार इतने दिनों से और 50 लोगों ने जान दे दिए, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? आप देश की चर्चा ना करते, मेरे मराठी भाई बहन जो रोड पे बैठे हैं एसटी कामगार, उन पे हमने बात जरूर करनी चाहिए, ये मैं आपसे विनंती करूंगी। Yes. Sir, last Honorable line. Member Rampreet Mandal. Last line. Sit down. उनके सैलरी में, मैं आपको अध्यक्ष महोदय, नवनी जी प्लीज कंक्लूड, अध्यक्ष महोदय लास्ट लाइन, यस अध्यक्ष महोदय, ये बता रहे हैं कि जो 5,000 बढ़ाए हैं उनके कंपैरिजन में 20 जो मुंबई में चलती है उनके 40,000 रुपए सैलरीज हैं, और ये लोग जो 18 साल से उनकी 18,000 रुपए सैलरी है, तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं होना चाहिए।